हेलो फैशन लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं कुछ कुछ ब्लाउज की डिज़ाइन। ये ब्लाउज बहुत सुंदर एंटिक एंड प्यारी है। आप इन्हें डेली वेयर के साथ साथ बाहर आने जाने में भी आराम से पहन सकते हैं। ये ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट लुक देते हैं हर एक साड़ी को। तो देखिए, अब चलने देते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए, पहला जो मेरा ब्लाउज़ है वो है ये बॉटल ग्रीन कलर का। देखिए बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडेड है, बहुत शानदार इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है। बहुत हैवी ब्लाउज़ है ये। 3/4 स्लीव्स का है और इसमें एक ये होल बना हुआ है आस्तीन पे, इससे इसमें बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। साथ ही इसमें देखिए आगे का गला बॉट नेक है और पीछे का ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसमें नेक नहीं है, जैसे कुर्ती वगैरह में आता है ऐसे। ये आधे इंच का गला है और आगे से ये प्रिंसेस कट में है। पीछे से इसमें आलिया भट्ट से इंस्पायर डिज़ाइन है, जो कि चौकोर बड़ी वाली खिड़की है। बहुत ही स्मार्ट लुक आता है पीछे से इसमें पहनने पर, और ये आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड है। तो आई थिंक आपको ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये कई सारी साड़ियों के साथ चलता है, जैसे कि क्रीम के साथ तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये सिंथेटिक साड़ी के साथ साथ बनारसी साड़ियों पे भी अच्छा लगता है, और लहंगे में, क्रॉप टॉप में, इजी वे में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और अच्छा लगा होगा। मेरा जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो है ये गोल्डन येलो कलर, एंड बहुत ही प्यारा है हल्दी फंक्शन के लिए ये। इसमें देखिए नेट की स्लीव्स है और उसमें फिर बॉर्डर लगा हुआ है साड़ी का। साथ ही इसमें आगे आपको राउंड नेक दिख रहा है, लेकिन इसमें ऊपर तक नेट लगी हुई है। तो बाहर से देखने पे तो ये ऐसा राउंड नेक है, बट नेट से कंप्लीट किया हुआ है। पीछे आपको ये सर्किल लग रहा है, लेकिन इसमें पत्ती की शेप में नेट लगी हुई है। और ये पहनने पे बहुत ही क्यूट एंड स्टाइलिश लुक देता है। नई नवेली दुल्हन के लिए ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है, और हल्दी फंक्शंस के लिए तो ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो आई थिंक आपको ये डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा लगा होगा, और वाकई में बहुत ही क्यूट सा लगता है। आपको ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक बार। अगला जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो है ये प्याजी कलर में। ये प्याजी कलर का ब्लाउज देखिए, इसमें स्लीव्स में छोटी छोटी सी फ्रिल लगी हुई है, और इसमें राजपूती स्टाइल की जो पहाड़ वाली लेस आती है ट्राइंगल शेप वाली, तो वो वाली लगी हुई है। और ये बहुत ही प्यारा लगता है। आगे से इसका थोड़ा सा बड़ा बॉट नेक है, और इसमें चूंकि साड़ी में थोड़ा सा ही दिखता है, इसलिए मैंने ये आस्तीन में से काट के ये जो बॉर्डर था वो यहाँ पे चिपका दिया है। और ये बहुत ही बस इतना सा ही दिखता है, और इसलिए ये साड़ी में छापता है तो बहुत प्यारा लगता है। और इसमें देखिए छेद किया हुआ है थोड़ा सा, तो ये भी क्यूट स्टाइल था। पीछे बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे की तरफ फ्रंट हुक हमने हाफ में ही दिए है, ताकि इसे ऊपर से पहनने में इजी रहे और बच्चे फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। साइड हुक नहीं है, आगे से आराम से बंद कर सकते हैं, तो उसको डेली वेयर में यूज हो सकती है साड़ी आराम से। और ये वाला ब्लाउज डिजाइन भी आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। जो ब्लाउज डिजाइन है वो देखिए यूनिवर्सल कलर ब्लैक कलर है। इसमें बहुत ही क्यूट प्यारे से ये ट्रीज बने हुए हैं कलर्ड, और इसकी इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है। देखने में इतना क्यूट सा और प्यारा सा लगता है कि हर कोई इसे पसंद करता है। इसलिए आस्तीनों में हमने स्लीव्स की जगह छोटी छोटी फ्रिल से डायरेक्टली फाइनल कर दिया है। और आगे इसमें फिर से वही कि हाफ तो नेट रखी, फुल तक नेट रखी है, और नीचे हमने इसका लाइनिंग थोड़ा नीचे रखा है ताकि स्किन शो हो हल्की सी और बहुत ही प्यारा लगे। पीछे देखिए आपने पीछे भी ऐसे किया है, और इसमें चेन या हुक सिस्टम कुछ भी लगा सकते हैं आप। मैंने हुक सिस्टम लगाया है, और ये फ्लावर इतने प्यारे इतने क्यूट है कि इतने प्यारा लगता है कि किसी भी लड़की के लिए ये छोटा मोटा प्रोग्राम में आराम से कैरी कर सकती है एज ए क्रॉप टॉप। नीचे इसमें प्लाजो पहन के इसे कम्प्लीट लुक दे सकती है, शरारा या फिर कोई भी प्यारा सा स्कर्ट या लहंगा पहन के इसे कम्प्लीट लुक कर सकती है। बहुत ही क्यूट एंड प्यारा लगता है। तो आई थिंक आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो है ये मेहंदी कलर का। इसमें देखिए आप यहाँ पर साउथ इंडियन स्टाइल में फ्रिल लगी हुई है, फिर नीचे चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ है। और इसका सबसे स्टाइलिश पार्ट इसका देखिए ये कि ये जो गला है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पहनने में, बड़ी फिटिंग आती है अच्छे से, और ज्यादा नीचाई नहीं है इसकी, ऊपर तक रह जाती है। शायद 3.5 इंच है इसकी। पीछे से भी ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, और इसको कंट्रोल करने के लिए पट्टी लगाई गई है जिससे कि ये गला कंट्रोल में आ जाए। तो ये वाला ब्लाउज भी बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पर। तो सभी नई नवेली दुल्हनों के लिए तो ये इसे डिजाइन को जरूर से ट्राई करना चाहिए। इसमें भी हमने क्या किया है कि पूरे ऊपर तक पट्टी नहीं लगाई है, आधा काटा है।
अगला ब्लाउज है ये डार्क ग्रीन कलर का, बोटल ग्रीन अगेन, ये भी बहुत प्यारा लगता है पहनने पर। इसमें भी क्या है कि ये ब्रॉकेट का कपड़ा आता है मार्केट में 80 या 100 रुपये का, तो उससे बनाया हुआ है ये, बहुत सारी साड़ी पर आराम से मैच कर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि साड़ियाँ ब्लाउजेज़ नहीं होती, तो इस टाइप के ब्लाउजेज आपकी बहुत हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप इन ब्लाउज़ों को कंप्लीट कर सकती है। तो इसमें हमने एक हॉल करके और यहाँ पर एक बटरफ्लाई वाला शेप वाला तितली लगाई है यहाँ पे वो बना के, और ये बहुत अच्छा लगता है स्लीव्स में जब ये डिज़ाइन आती है। इसी तरीके की हमने ये डिज़ाइन पीछे भी की है कि वहाँ पर बॉटनेक लगा के, ये आगे हमने इसका भी फिर से वही पट्टी आदि लगाई है ताकि दिक्कत ना हो पहनने में। पीछे हमने एक पट्टी लगा के नीचे की पट्टी पर ये वो बनाई है, तो इससे ये बहुत ही अच्छा लगता है एंड प्यारा लगता है। और इस तरीके के ब्लाउज आपके पास ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए, ये स्टाइलिश लुक देते हैं और कंप्लीट करते हैं आपकी साड़ी के लुक को बहुत ही शानदार एंड प्यारा। देखो ब्लाउज डिजाइन जो आपको आई थिंक पसंद आई होगी, ये मेरा चौथा वीडियो है ब्लाउज डिजाइन के ऊपर। और ये जो डिजाइन है हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि बड़े शहरों में तो कोई कुछ भी पहन ले सकता है, लेकिन छोटे शहरों में डिजाइन के साथ कैसे कैरी कर सकते हैं किसी साड़ी और ब्लाउज को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की डिजाइन आपको दिखा रही है। भाई मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि साड़ी आप कैसी पहनो, पर ब्लाउज की डिजाइन एक से बढ़कर एक पहनो ताकि ब्लाउज का साड़ी अच्छे से लुक में आपके सामने आए, बहुत ही प्रीटी और बहुत ही क्यूट लगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।